दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं ये हमारी काम में आने वाली चीज है जो गिलास में मैं यूज करता हूँ, स्प्रे गन, जो कि काफी बेहद है। और कोई भी आप अगर ऐसा काम करते हैं कलर से रिलेटेड तो आप इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले इसे यूज किया है, उसके बाद ही दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं और इसके कुछ फीचर के बारे में बता देता हूं किस तरीके से यूज होती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आप इजीली कलर डालकर इसे ढककर इस पर लगाकर इसलिए आप कलर कर सकते हैं। यहां दोस्तों दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो है मेन चीज यानी कि स्प्रे गन, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको ये देख सकते हैं, ये है हमारी स्प्रे गन जो कि बिल्कुल एकदम पैक है। दोस्तों पहले मैंने इसे खोलकर इसे पहले दोस्तों यूज किया है, उसके बाद इसका मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें मैंने अभी आपको वीडियो बताया, और इसके कुछ थोड़ा सा फीचर के बारे में बता देता हूं कि कहां से कौन सी चीज एडजस्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपको ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, तो यहां से आप कलर हल्का या तेज कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज के बारे में बता देता हूं आपको दोस्तों, इसके जो बैक साइड है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये देख सकते हैं, यहां जो ये पॉइंट है ये वाला, ये दोस्तों इसमें हमें यानी कि जो हमारा कंप्रेशर होता है, कंप्रेशर से निकलती हुई हवा जब इसमें आती है दोस्तों, तो यहां से हमें कम या ज्यादा करने का होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों इसे यूज कर सकते हैं। आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं ग्लास की इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उसके बारे में कैसे कैसे बनता है, क्या क्या डिजाइन है।